2 फरवरी का दिन था जब मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पता चला कि यहाँ पे है सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 24, जहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे और परफॉर्मेंस थी। तो चलिए परफॉर्मेंसेस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे एक मेन चीज़ होती है यानी के व्लॉग का इंट्रो, तो चलिए देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है यार हमारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल SSCF 24। तो यार यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी मुझे रंग बिरंगी नजर आ रही है, वरना इतने रंग कभी यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आते। यूनिवर्सिटी में ये चेक करो, लौंडा मारा है कैजुअली। अल्हम्दुलिल्लाह बताएं, ठीक है। खर्चा नाइस, थैंक यू नाइस। यार मुझे ना पहली दफा यूनिवर्सिटी में इतने रंग नजर आए हैं, वरना मुझे सिर्फ AHS का पर्पल और जो है ब्लू, उसके बाद नॉर्मल कलर नजर आते हैं। पहली दफा यूनिवर्सिटी मुझे रेनबो लग रही है। आपका आपको कैसा लग रहा है? यार मैं भी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है जिंदगी में अब रंग आए हमारे तो। अभी हमें देख के लग रहा है रंग आया। यकीन माने रात को सोया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, मुझे नहीं पता था कभी हमारी यूनिवर्सिटी में साफ सुथरा है। मैं पहली दफा नहा गया, खुशी हुई है कि यार आज सही टाइम पे नहाए हैं। मैं हो चुका था लेट और मेरे जाने तक सबकी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी, और जैसे ही डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो मुझे एक और टेंशन थी कि मैंने भाई 10:30 बजे क्लास भी स्टार्ट करवानी है। क्लास स्टार्ट करवाने के बाद अब यही था कि क्लास कैंसिल हो जाएगी, लेकिन चले क्लास हमारी हुई और भरपूर तरीके से हमारा क्विज़ भी लिया गया ज़बरदस्ती तरीके से। और डांस परफॉर्मेंस से फारिग होने के बाद हमने ओपन एयर स्टूडियो विज़िट किया। यहाँ पर जो है कलरफुल सुपीरियर मुझे पहली दफ़ा नज़र आई। यार बात ये थी कि सुपीरियर में ज़्यादातर हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 रंग देखने को मिलते थे, एक ब्लू और एक पर्पल। ये भी स्क्रब के कलर्स थे, यूनिफॉर्म्स थे, और उसके अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। और जो रैंडम ड्रेसेस पहने होते थे, और ये हमारा लौंडा सबसे आगे डांस भी कर रहा है, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, मिर्ज़ा हसन बेग को। तो यार डांस परफॉर्मेंसेज इनकी देखी, डांस परफॉर्मेंस के बाद मैंने देखा जी मेरे बाकी बशिंदे किधर हैं, क्योंकि नाश्ता करना था और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो नाश्ता हमने फिर भी कब किया होगा, 11:30 के बाद, क्योंकि 10:30 बजे क्लास स्टार्ट थी और 11:30 पौने बारह में हमने क्लास ख़त्म की। तो 11:30 के बाद जो है हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जो है हमने बाकी रूटीन जो है वो इसमें रिकॉर्ड की हुई है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको नाश्ते के बाद क्या क्या चीजें हुई। हेलो इवा, कैसी हो? ऑरेंज कलर? हाँ जी, क्यों? कत्ती से, सर्दी का मौसम जा रहा है ना, तो संतरे से। ओ मेरी जान, हाँ इग्नोर कर दिया, बच्चे व्लॉग बना रहे हैं, बना रहे हैं कंटेंट वीडियो, ये प्यारा लग रहा है। ओ चेक करो, हमजा जो है चोरी छुपे वीडियोस बना रहा है। आपको शर्म नहीं आती? सर आवाज आ जाओ। आप नहीं, आपको शर्म नहीं आती चोरी छुपे वीडियोस बनाते हो? तो ब्लैक पेन आए हो, ऊपर से आपने एक आंख जो है गायब की हुई है ताकि किसको नजर ना हो। कुछ खोपे खुदा सा हो यार, चुपके चुपके वीडियोस नहीं बनाते। अच्छा यार ओपन एयर हम आए हैं, और ओपन एयर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। नॉइस, मेरे फेवरेट लड्डू पेटियां, गोलगप्पे, ये दही है। मुझे ना अपना स्टैंड ही ले, ओके। तो ये सारा कौन सा हाउस है? ये मंजूर हाउस, मंजूर हाउस सारा इधर आ रहा है, लाल है माल।
लाले बाले लाले बाले लाल भाई लाले लाले बाले बाले नहीं हाँ नहीं देखा। हेलो अच्छा ये सारे हाउसेज ओपन एयर में घुसना शुरू हो चुके हैं। वो चेक करो भाई साहब। अच्छा तो यार बहुत कम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी और ऐसी चहल पहल देखने को मिले, लेकिन आज जो है यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई चहल पहल है ना जिसका मैं कहता हूँ कोई अंत नहीं है यार। तरह तरह के रंग जो है यूनिवर्सिटी में नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले तो इधर आएगा येलो। चलो जरा देखते हैं आपने बच्ची देखा है किधर। मुझे 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 भी लाओ, ये पकड़ो, मुझे भी लाओ, मुझे भी लाओ वीडियो। From today I am Saudi Arabian. Hi. I am not a Pakistani. What is this? तो रेहान हाउस के दरबान जो है हाजिर है, अगर किसी को ड्यूटी करवानी है तो हम प्रेजेंट है इधर। हमें कॉल करें, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आपको दरबान मिल जाएगा। यार ये अच्छा टॉर्चर है हमारे साथ, ठीक है हमसे हजार हजार रुपया स्पोर्ट्स का भी ले लिया है और अब हमें जो है कह रहे हैं कि क्लास भी लो नहीं। मतलब ये तरीका क्या है इनका, ये तरीका है भला कोई? या तो हजार रुपया ना लेते फिर हमें क्लास में भी बुला लेते तो कोई मसला ही नहीं था। हमसे जबरदस्ती हजार हजार रुपया भी लिया और हमें क्लास में भी बुला लिया। यार ये क्या तरीका है? है तरीका, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है हम इसकी पुरुष जोर मुजम्मत करते हैं, ठीक है। एक तो हमसे हजार रुपया लिया इन लोगों ने, ठीक है जबरदस्ती निकलवाया। हम कह रहे थे क्योंकि हमें पता था क्लासेस कैंसिल नहीं होनी, तो जबरदस्ती हमसे हजार हजार रुपया निकलवाया और फिर हमें कहते हैं जी क्लासेस भी लेनी है, ठीक है। नहीं मतलब ये तरीका क्या है, आप कहना क्या चाहते हो यार? अजीब यार, यार स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक यही मसला है, जिस क्लास में हम होते हैं उस क्लास के यकीन लाजमी होती है। नहीं मतलब हम लोग जो हैं इधर मुफ्त के बैठे हुए हैं, नहीं हमने पैसे नहीं दिए स्पोर्ट्स डे के जो हम स्पोर्ट्स नहीं देख सकते। एचओडी सर ने जो है क्लास कैंसिल कर दी, ठीक है 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो गई, ठीक है एचओडी वाली, और अब कह रहे हैं जी क्लास में आओ। ये तरीका भला इनका? मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और अपने जूनियर्स को नसीहत करता हूँ कि आइंदा से किसी भी इवेंट के आप लोगों ने पेमेंट नहीं करनी। ये यार ठीक है आपने पेमेंट नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए।
क्लासेस से फ्री होने के बाद भी मुसलसल ये जलील हो रहे हैं, अब फुटबॉल के लिए लगे हुए हैं। कौन कौन सा हाउस है भाई ये? फुटबॉल मुसलसल हो रहा है यार। वो एक टीम अभी फ्री हुई है येलो ड्रेस में, येलो शर्ट्स में, ठीक है। बाकी खेल रहे हैं खेलों में लगे हुए हैं बस। SSC F24। तो आज यहीं पे हम व्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं निकलने लगा हूँ थोड़ी देर तक वापस गुजरावाला डॉक्टर फैजुल्ला के साथ। थोड़ा सा स्पोर्ट्स डे का मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये स्पोर्ट्स डे अभी ख़त्म नहीं हुआ, 13 तारीख तक चलेगा। और 13 तारीख को हम आपसे मिलते हैं रेलवे ग्राउंड लाहौर गणेश के पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।